रंग 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 तुझे कौन सी पसंद, ये सिर्फ एक वाक्यांश नहीं, कईयों के लिए उनका पूरा बचपन है और इससे जुड़ी यादें इसका एक बहुत मजेदार अनुभव है। वैसे कितनों को तो ये भी बात लग रही हुई है क्या, जानिए इस पूरे वीडियो में एक मजेदार अनुभव के साथ। ये है क्या पता तो चली जाएगा, लेकिन उससे पहले ये चीज ज्यादा जानना जरूरी हो जाती है कि इसमें एक इंसान महोदय या महोदया उन्हें चोर बनाया जाएगा, असल का चोर नहीं। दरअसल ये वह इंसान होने वाले हैं जिनके मजे भी सब लेने वाले हैं, तो इसमें उस इंसान को चोर बनाया जाएगा और उसके द्वारा किसी रंग को बोला जाएगा, किसी रंग के नाम, काला पीला नीला कुछ भी, और सब जितने भी प्लेयर्स खेलने वाले हैं उन्हें उस रंग को कहीं ढूंढ कर उन्हें उस रंग को छू लेना है, उस रंग की वस्तु को, उस रंग की किसी भी चीज़ को छू लेना है। और अगर वो नहीं छू पाया और उससे पहले इस चोर ने उसे छू लिया, तो अब उस इंसान पर चोर बनने का मुकदमा दर्ज होगा। चोर बनने का मुकदमा, खैर मुकदमा मुकदमा कुछ नहीं होगा, बस बात इतनी है कि अब चोर उसे बनाया जाएगा। और फिर ऐसे में अगर उसने काला रंग बोला, मैंने काला पहना है तो मैंने इसे छू लिया, सब ने आकर अब मेरे इस टी शर्ट को छूना शुरू कर दिया होगा। मतलब इस खेल का यही है, अगर किसी ने पीला बोल दिया, किसी ने पीले रंग का कुछ पहना है, तो सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। और अगर बमुश्किल से इत्तेफाक से अगर किसी ने कुछ ऐसा रंग याद करके बोल दिया जो वहां ना मिले हो, तो वैसे ही एक वाक्य है, जो आप पीछे गोल्डन रंग देख रहे हो ना, किसी ने वही गोल्डन रंग बोल दिया और उस पूरे प्ले ग्राउंड में सूखी पत्तियां वगैरह कुछ गोल्डन रंग का कुछ ऐसी चीज थी नहीं, लेकिन एक किसी तेज तर्रार इंसान को एक चीज दिखी। वो क्या, एक किसी कोई लड़की थी, उसने यहाँ पे कुछ गोल्ड के इयररिंग पहन रखे थे, उसे वो दिख गई और उसने बता दिया गोल्ड की इयररिंग, और सब जितने भी बच्चे थे, लड़के लड़कियाँ, सब उसके पीछे भाग रहे हैं। वो बेचारी हक्का बक्का कि क्या हो गया, क्यों भाग रहे हैं, और ये जो पीछे चोर है ये भी सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। और सब अब आप इस सिचुएशन को बेहतर करो, सब आपके पीछे भाग रहे हैं और उस गली में जब वो लोग नज़दीक आ गए, वो तो बस इस तरीके से देख रहे हैं क्या होने वाला है आगे मेरे साथ। फिर सबने उसके इस इयररिंग को किसी ने इधर किसी ने इधर छुआ, तब उसे कुछ लगा कि ओके ये हो रहा था। तो ये एक छोटा सा वाक्य था, मुझे लगा ये थोड़ी फनी टाइप की है, कैसी है ये तो आपको अब कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा अगर कोई वाक्य और ऐसा कोई खेल गेम आपके बचपन का कुछ अनूठा अद्भुत है, तो आप जरूर इस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपने इतने प्यार ध्यान से इस अंत तक इस वीडियो को सुना देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।